अब हेयरिंग एड, उनकी टाइप्स और सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है इस वक्त। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स एंड स्टाइल अवेलेबल राइट नाउ आउट इन द मार्केट, जो कि हम डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वॉर्न बिहाइंड द ईयर इन द कैनाल, कम्प्लीटली इन द कैनाल, और सबसे एडवांस्ड हेयरिंग एड जो कि सर्जिकल प्रोसेस से बच्चे के सर के अंदर डाली जाती है, उसको कॉकलियर इम्प्लांट कहा जाता है। ये मैं बताती चलूँ कि पुरानी हेयरिंग एड्स जो कि इस्तेमाल करती थी, उनकी एक तस्वीर आपके सामने स्लाइड में आई है, जिसमें हॉर्न टाइप ऑफ हेयरिंग एड्स हैं, और ये बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस थी जो कि अब बहुत छोटे साइजेस में अवेलेबल हैं, जो कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड, इन द ईयर हेयरिंग एड, हैफ शेल, इन द कनाल के दो साइजेस हैं, और कम्प्लीटली इन द कनाल हेयरिंग एड। अब मैं बताना चाहूँगी कि बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड किस टाइप एंड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड बेसिकली दो साइजेस में आती हैं, एक छोटी हेयरिंग एड्स कहलाती हैं जिनको मिनी हेयरिंग एड्स भी कहते हैं, और दूसरी पावरफुल बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स कहलाती हैं। ज़्यादा पावरफुल हेयरिंग एड्स उन मरीज या बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं जिनका बेसिकली हेयरिंग लॉस सीवियर टू प्रोफाउंड है। इस बात से ये मकसद बिल्कुल नहीं कि बिहाइंड द हेयरिंग एड्स उन बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती जिनका हेयरिंग लॉस माइल्ड या मॉडरेट रेंज में है। बिहाइंड द हेयरिंग एड्स रिलेटिवली बाकी हेयरिंग एड्स से कीमत में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल लेवल हेयरिंग एड सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगली स्लाइड आपको इन द कनाल हेयरिंग एड के बारे में बताना चाहूँगी। ये बेसिकली कस्टम हेयरिंग एड्स भी कहलाती हैं, जिसके लिए आपको मरीज़ या बच्चे के कान का मोल्ड लेना पड़ता है, और उस साइज़ को लेकर फिर आप वेंडर के पास ये हेयरिंग एड का साइज़ भेजते हैं, और वो हेयरिंग एड उसकी कनाल के साइज़ के मुताबिक बना के आपको वापस करता है। इन द कनाल हेयरिंग एड ज़्यादातर मॉडरेटली सिवियर से ऊपर के हेयरिंग लॉस में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, बहुत से पेशेंट्स या मरीज़ ऐसे भी हैं जिनका हेयरिंग लॉस सिवियर है, लेकिन वो फिर भी इन द कनाल हेयरिंग एड फुल शेल, जो कि अभी आपके सामने स्लाइड पर वाज़े तौर पर दिखाई जा रही है, उससे भी अफादियत हासिल कर सकते हैं। अगली हेयरिंग एड हमारी इन द कनाल हेयरिंग एड है। इन द कनाल हेयरिंग एड ज़्यादातर मॉडरेट से मॉडरेटली सिवियर हेयरिंग लॉसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर की डिग्रीज जिनमें स्लाइट टू माइल्ड लॉस आता है, ज़्यादातर पे स्लाइट हेयरिंग लॉस के लिए हेयरिंग एड की रिकमेंडेशन नहीं की जाती, लेकिन माइल्ड, मॉडरेट और मॉडरेटली सिवियर हेयरिंग लॉसेस के लिए इन द कनाल हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली स्लाइड बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड है। बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड ज़्यादातर अंडर डिवेलपिंग कंट्रीज़ या वो ममालिक जिनमें अभी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियली मरीज़ या उनके वालिदैन ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हेयरिंग एड ख़रीदने के लिए, तो उनके लिए बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ मिसकंसेप्शन है कुछ ममालिक में और कुछ हेयरिंग एड डीलर्स में भी, कि बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड और बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड दोनों की पावर रिलेटिवली सिमिलर या एक जैसी होती है, सिर्फ कॉस्ट की डिफरेंस की वजह से, क्योंकि बॉडी वॉर्न हेयरिंग एड्स रिलेटिवली कम महंगी होती है, तो इस वजह से बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली हेयरिंग एड ही है, लेकिन ये बहुत एडवांस हेयरिंग एड है। ये सर्जिकली पेशेंट के या मरीज़ के या बच्चे के सर के अंदर मैस्टोइड पर प्लेस की जाती है। इसके साथ एक छोटी सी कॉकलियर एरे होती है जो कि आपके कॉकलिया में सर्जिकली ENT सर्जन एम्बेड करते हैं।